लिखिए नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, वी डू हैव सम प्रॉपर्टीज इन डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी वन, डिटरमिनेंट में लाइफ आसान करने के लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और दे दी गई है मार्केट में। द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स, इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है अगर उसके रोज और कॉलम जो है वो आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए, यानी कि उसका ट्रांसपोज ले लिया जाए। बेसिकली मैट्रिक्स की भाषा में अगर हम लोग बोलें तो इसे ट्रांसपोज बोला करते थे, जब रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बना दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डिटरमिनेंट लेता हूँ A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, अगर मैंने डिटरमिनेंट ली सपोज, ठीक है, इसे कितने तरीके से खोला जा सकता है? देयर आर सिक्स डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट। रो 1, रो 2, रो 3, C1, C2। सपोज R1 से मैंने इसे एक्सपेंड किया, सपोज मैंने इसे R1 से एक्सपेंड किया, तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, D इज इक्वल्स टू A1 टाइम्स, वो को फैक्टर लिख रहा हूँ, को फैक्टर B2, फिर B3, C2, C3, ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, माइनस A2, B1, B3, C1, C3। कोई ऐसा प्राणी जिसे समझ में ना आ रहा हो? A2 वाला कॉलम छुपाया, A2 वाली रो छुपाई, B1, B3, C1, C3, बस। लास्ट प्लस A3, B1, B2, C1, C2। ये तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी भाई साहब। अगर समाज ने बोला कि आप इसके रो और कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो यू विल गेट अ डिफरेंट डिटरमिनेंट। सपोज मैंने उसे नाम दिया डी डैश, वो डी डैश जो बनेगी वो A1, A2, A3 वर्टिकली आएंगे, फिर B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब मैंने इसे एक्सपेंड किया, किससे एक्सपेंड करना है? कॉलम से। कौन से कॉलम से? कॉलम 1 से एक्सपेंड कर देता हूँ, कर सकता हूँ। तो मैंने इसे कॉलम 1 से एक्सपेंड किया, डी डैश की वैल्यू A1 टाइम्स, इसका साइन प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस A1, इसे छिपाया, इसे छिपाया, B2 C2, B3 C3, माइनस A2 टाइम्स B1 C1 B3 C3, प्लस A3 टाइम्स B1 C1 B2 C2। ये और ये एग्जैक्टली सेम है, आप देख लीजिए मैचिंग कहाँ है सेम। इसमें तो रो और कॉलम इंटरचेंज है। गुलाबचंद कुटारी पागल आदमी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? B2 C3 माइनस B3 C2 है ना, और इसकी वैल्यू भी देखो B2 C3 माइनस B3 C2, ये सब सेम मिलेंगे। तो दीज टू वैल्यूज आर सेम। इसका मतलब ये हुआ कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देने पे बनने वाली नई डिटरमिनेंट कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, और डिटरमिनेंट के पास जो भी अपना खुद का है दैट इज वैल्यू। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं, मैट्रिक्स के पास कोई वैल्यू नहीं है लेकिन डिटरमिनेंट के पास वैल्यू है। तो अगर इसकी वैल्यू अनचेंज रही तो मैं कहता हूँ कि डिटरमिनेंट ही अनचेंज रही। तो रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देने पर डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आया, तो जो भी प्रॉपर्टी रो पे लगाई जा सकेगी वही प्रॉपर्टी कॉलम पे बाय डिफॉल्ट लग रही होगी, क्योंकि रोज और कॉलम में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है क्या? नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, इफ एनी टू रोज ब्रैकेट और कॉलम्स, इफ एनी टू रोज ब्रैकेट और कॉलम्स
आर इंटरचेंज्ड, आर इंटरचेंज्ड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड, इज चेंज्ड बाय साइन ओनली, बाय साइन ओनली. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने एक डिटर्मिनेंट ली ए वन ए टू बी वन बी टू, सेकेंड ऑर्डर की ले लेते हैं, जल्दी वैल्यू लिख सकते हैं. इसमें आर वन और आर टू को यदि मैंने इंटरचेंज किया, आर वन इंटरचेंज विद आर टू, आर वन नीचे आ जाएगा, आर टू ऊपर चली जाएगी, एक नई डिटर्मिनेंट बनेगी डी डैश, ये हो गया बी वन बी टू ए वन ए टू. इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं, दैट इज ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. इसकी वैल्यू की अगर बात करें, ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू विच इज माइनस ऑफ डी. किन्हीं भी दो रोज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देने पर उस पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस से चेंज हो जाती है, ठीक है क्या? प्रॉपर्टी थ्री, प्रॉपर्टी थ्री, इफ अ डिटर्मिनेंट हैज इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज, इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज ब्रैकेट और कॉलम्स, और कॉलम्स आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी जीरो. किसी डिटर्मिनेंट में यदि दो रो ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए टू बी टू सी टू, कोई भी दो रो या दो कॉलम, जो रो के साथ है वो कॉलम के साथ भी हो सकता है बाय डिफॉल्ट, कोई भी दो रो अगर किसी डिटर्मिनेंट में सेम हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. इसको प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इसे आर वन से एक्सपेंड कर दो, किससे? आर वन से. अब एक्सपेंड कर लोगे तो जीरो आ ही जाएगा, या फिर प्रॉपर्टी का यूज करके स्टाइल मारनी हो तो कैसे? सपोज मैंने इसमें आर टू और आर थ्री इंटरचेंज करी, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आर टू और आर थ्री इंटरचेंज करी, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर टू आई शुड गेट समथिंग डिफरेंट डिटर्मिनेंट विच इज माइनस ऑफ डी. अरे मुझे डी डैश मिलनी चाहिए भाई, जो कि माइनस ऑफ डी के बराबर होनी चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन वो है कौन सी डिटर्मिनेंट? ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए टू बी टू सी टू. अब मैंने तो आर टू और आर थ्री इंटरचेंज कर दी, लेकिन नजर नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं? तो दिस इज एक्चुअल माय डी, तो डी इज इक्वल टू क्या? माइनस डी. तो टू डी बराबर जीरो, तो डी बराबर जीरो. ये थोड़ा फैंसी तरीका हो गया प्रूव करने का. बोलो बोलो, मेरे से बोल दो सर, गलती हो गई यहाँ पे. आइडेंटिकल तो तभी होंगे ना सेम, यार ऊपर ही मिस्टेक हो गई थी. अरे आर टू आर थ्री सेम, मतलब सेम तीनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए ना, सी थ्री कहाँ से आ गया? नहीं चमक रहा क्या? हाँ नहीं, ऐड नहीं करा गेल सिप्पी. ये आर टू और आर थ्री इंटरचेंज करी, कोई भी दो रोज इंटरचेंज करने पर कायदे से माइनस डी मिलना चाहिए, ये प्रॉपर्टी नंबर टू में सीखा था हमने. हाँ हाँ, तो माइनस डी बराबर क्या? इसका आर टू और आर थ्री इंटरचेंज करने पे क्या बनेगा? यही तो बनेगा. ये कौन था? ये तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी, यानी कि डी. तो डी बराबर माइनस डी, तो ये इधर आया, ऐसे बना टू डी बराबर जीरो. ओके डन. सुनते ही नहीं यार, पता नहीं. हाँ वो जोड़ रही थी एक्चुअली, वैसे जोड़ने से भी आ जाएगा.
ऐसे तो जोड़ने से भी आएगा। हाँ हाँ ठीक है, वो वैसे भी आ रहा है यार। अब इसकी बहुत लो लेवल की चीज़ है, इस पर क्या मतलब बहस करेंगे अब। नोट दैट इफ ऑल द एलिमेंट्स If all the elements of any row, if all the elements of any row or column, if all the elements of any row or column are zero, then also the value of determinant will be zero. देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो गए, तो आप उसी से एक्सपेंड कर दो ना भाई साहब। उसे खुद ही शर्म आ जाएगी डिटर्मिनेंट को, कैसे खुलूँ आर वन से, कैसे खुलेगी भाई। जीरो इंटू डुडुर माइनस जीरो इंटू डुडुर जीरो जीरो, तो वैल्यू इज जीरो। समझाने की कोई जरूरत तो है नहीं, सही है ठीक। प्रॉपर्टी नंबर फोर, यहां से थोड़ी काम की प्रॉपर्टीज शुरू हो जाती है अगर हम चार नंबर एनसीईआरटी की बात करें तो। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स 12-15 नंबर होगा, 10 तो है ही, कम से कम 10 से ऊपर हो तो पता नहीं है। 12 है ना, आई रिमेम्बर 12, तुमने बोला 10 तो मैं 10 भी मान लेता हूँ। ऐसी की बात, मैंने कोई ब्लू प्रिंट रेट नहीं रखा भाई, 10 या 12 का है तो मैंने ऐसे थोड़ी बोला सारे आएंगे। मैंने ये बोला ये पूछेंगे तो 4 नंबर का आएगा। हाँ फिक्स है, जैसे एक इन्वर्स का आएगा तो, इन्वर्स का आएगा तो 6 नंबर का आएगा, ये फिक्स है। हाँ नहीं, इन्वर्स का तो आएगा ही, इन्वर्स के बिना क्या पूछेंगे बेचारे। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये भूमिका बना रहे हैं उसके लिए। राक्षस के आने के पहले भी तो स्वागत के लिए भी तो कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं, ये तो वो हो रहे हैं। ये तो इन्वर्स के स्वागत के लिए इंतजाम हो रहा है भाई, क्या मतलब। अपने को नहीं जाना अभी वहां पे, वो बुलाएंगे भी नहीं अभी। एनसीईआरटी पेपर सेट करने के लिए वो डिस्कस करने लग गए, इसलिए बता रहा हूँ, उनके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ना। वो बुलाएंगे ना अपने को जाना है, जबरदस्ती लगे पड़े बेमतलब की चीज। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ब्रैकेट और कॉलम are multiplied by the same number, then the value of the determinant is multiplied by that number. Then the value of the determinant is multiplied by that number. ये बहुत क्लासिक आइटम है भाई। जैसे मान लीजिए मैंने एक डिटर्मिनेंट ली, 3 ऑर्डर की भी ले सकते हैं, मैं 2 ऑर्डर की ले रहा हूँ फिलहाल। मैंने 2 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट ली, a1 b1 a2 b2। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, a1 b2 - a2 b1 है। अगर मैं r1 को k टाइम्स r1 बना देता हूँ, यानी कि R1 की वैल्यू चेंज करके मैंने K टाइम्स R, मतलब R1 के सभी एलिमेंट को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक नई डिटर्मिनेंट बन गई भाई सब की, डी डैश। तो डी डैश बनी K A1 K B1 ओ सॉरी A2 B2। इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो आएगी K A1 B2 - K A2 B1
इसमें से अगर k कॉमन ले लिया जाए तो एक्चुअल में जो चीज बची दैट इज d, दैट इज d। अरे यही तो है भाई, सही है क्या? यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता था, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या? मुद्दे की बात, डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट में बाहर रखा स्केलर अगर अंदर मल्टीप्लाई होता है तो किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट से होता है, या फिर डिटर्मिनेंट में से किसी भी रो के अंदर से कोई एक स्केलर कॉमन लिया जा सकता है जबकि इफ वी सी द मैट्रिक्स वर्जन ऑफ दिस, अगर हम इसका मैट्रिक्स वर्जन देखते हैं, वापस एक बार रिकॉल करा रहा हूं, तो के ए का मतलब होता था अगर ए एक मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर की, a1 b1 a2 b2, तो के ए का मतलब होता था के ए वन के बी वन के ए टू के बी टू। दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद डिटर्मिनेंट और स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया कोई भी स्केलर उसके हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होता था, जबकि डिटर्मिनेंट में किसी भी पर्टिकुलर रो या सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम के ही सभी एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? अच्छा, ये चीज मेरे एक बहुत काम में आने वाली चीज है। मैट्रिक्स के अंदर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज लिखी थी, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम उसके लायक, थोड़ा बहुत समझने के लायक 2-4 ग्राम एक्स्ट्रा हो चुके हैं। क्या है वो? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में एक डिटर्मिनेंट एसोसिएट की जा सकती है उसके एलिमेंट्स को सेम ऑर्डर में लिख के, उसके एलिमेंट्स को सेम ऑर्डर में लिख के। ठीक है क्या? लिखो नोट। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एक डिटर्मिनेंट एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत काम का नोट है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये फर्स्ट नोट है ना, ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, एक एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। देन डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए विल बी इक्वल्स टू के रेस टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे कभी कभी कुछ फैंसी लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ये चीज समझ में आना जरूरी है। इस चीज को मैं यहां तो नहीं समझा रहा, मैं यहां समझा देता हूं, यहां अपने पास जगह भी है और यहां अपन ने एग्जाम्पल भी लिख रखा है। इस ए के करेस्पॉन्डिंग अगर मुझे डिटर्मिनेंट लिखनी है तो मैं लिखूंगा इसी चीज को सेम ऑर्डर में, a1 b1 a2 b2। कुछ समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अगर इस के ए के करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखी जाए, जनता, के ए के करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, तो ये के ए वन के बी वन के ए टू के बी टू। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद डिटर्मिनेंट और स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद मैट्रिक्स में जो बेसिक डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ के रेस टू पावर एन आया है। मैट्रिक्स के साथ जब स्केलर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके सारे एलिमेंट के साथ जाके के मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसके हर रो के एलिमेंट के साथ के जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब डिटर्मिनेंट में से के कॉमन लिया जाता है तो हर रो में से एक एक बार आता है, एक बार फर्स्ट रो में से आएगा, एक बार सेकंड रो में से, तो टोटल कितने के बाहर आए? मजा ही नहीं आ रहा यार। नहीं, यहां पे 2 आए, यहां कितने आएंगे? 2 k² और फिर बचेगा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? चूंकि यहां पे सेकंड ऑर्डर की थी इसलिए 2 k आए, अगर एन ऑर्डर की होती तो एन के आते। कोई मरने ऐसी नौबत? ठीक है, सेकंड नोट।
द वैल्यू ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, नहीं ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑफ ऑड ऑर्डर ओ डबल डी ऑड ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो. स्क्यू सिमेट्रिक अगर आपको याद हो जनता, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, तो एक डिटर्मिनेंट मैंने ली स्क्यू सिमेट्रिक, इनके डायगोनल एलिमेंट्स का जीरो होना तो मैंडेटरी है. डायगोनल एलिमेंट्स क्योंकि खुद के ही कॉन्जुगेट होते हैं और उन्हें एडिटिव इनवर्स होना होता है, सही है? कोई भी आदमी खुद का एडिटिव इनवर्स सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब वो खुद जीरो हो, सही बात है? ठीक है, यहाँ ए बी और सी ले लेते हैं एक साइड, एक साइड माइनस ए माइनस बी और माइनस सी ले लेते, ठीक है? मान लेते हैं इस डी की वैल्यू डी है, तुम तो डी तो मान ही लिया, ठीक है? क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका जो डी ट्रांसपोज है, डी ट्रांसपोज लिख ही लेते ना, डी ट्रांसपोज तो लिख ही सकते हैं हम, डी ट्रांसपोज जीरो ए बी माइनस ए जीरो माइनस नहीं प्लस सी, प्लस सी है यार, ऐसे क्या कर रहे हो भाई, माइनस बी माइनस सी जीरो है. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर वन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर वन, दिस शुड बी इक्वल्स टू डी. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी वन दिस शुड बी डी, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर फोर, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कोई भी स्केलर कॉमन ले सकते हैं, कोई भी स्केलर कॉमन ले सकते. मैंने फर्स्ट रो से डिसाइड किया कि मैं माइनस वन कॉमन लूंगा, क्या कॉमन लूंगा? माइनस वन. सेकेंड से ही मैंने डिसाइड किया कि मैं माइनस वन कॉमन लूंगा, और थर्ड से ही मैंने डिसाइड किया कि मैं माइनस वन कॉमन लूंगा. यहां मार्केट में आया ऑड ऑर्डर, इसका ऑर्डर कैसा था? ऑड, तो माइनस वन कितनी बार कॉमन आएगा? तीन बार. अगर इसका ऑर्डर इवन होता तो माइनस वन कितनी बार कॉमन आता? चार बार आता ना, चार ऑर्डर इवन टाइम, चार बार आता. जब ऑर्डर लिया चार, मैंने इवन ऑर्डर बोला था मैंने, है चार बोला था ना, एक आदमी मेरे साथ है तो बात करता हूं. अच्छा वो बेबीज है लेकिन भाई मेरे से मिस्टेक हो गई भाई. इवन है ना, तो माइनस वन इवन बार आता तो प्लस बन जाता, क्योंकि ये ऑड बार आ रहा है तो अल्टीमेटली बाहर क्या मिलेगा? एक माइनस है ना. अंदर देखो क्या बन गया, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो. माइनस वन कॉमन लेने का मतलब एक एक माइनस वन बच जाएगा यहां पे, कोई दिक्कत? ठीक. एंड हु इज दिस? दिस इज नथिंग बट माय ओरिजिनल डी, यानी कि डी बराबर माइनस डी. फिर वही चीज सेम, डी बराबर माइनस डी यानी कि टू डी बराबर जीरो, तो डी बराबर जीरो. किसी भी ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट अगर दी जाएगी तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो. ऑर्डर मस्ट बी ऑड, ऑर्डर ऑड होना जरूरी है. प्रॉपर्टी नंबर फाइव, नहीं डी डैश था और हमने स्पेसिफाई करा था कि हम रो और कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं. ट्रांसपोज इज अ वर्ड ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पे रो कॉलम इंटरचेंज करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट विल बी सेम. तो ट्रांसपोज कहां से आ गया फिर? यू कैन नॉट से ट्रांसपोज,
ट्रांसपोज वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ मैट्राइसेस के लिए किया गया. इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, इफ ईच एलिमेंट प्रॉपर्टी फाइव, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो ब्रैकेट और कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो ब्रैकेट और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड then the determinant can be expressed as the sum of two determinants. The property 4 onwards हमारी जिंदगी में बहुत important है. Property 5, actual में अगर हम लोग matrix addition की बात करें, matrix addition was very simple. सारे corresponding elements को जोड़ दो, you will get the addition of two matrix. ठीक है, determinant addition थोड़ा सा different है. ये बोल रहा है कि किसी भी रो के, जैसे मान लो एक सेकेंड ऑर्डर की ले लेते हैं, ज्यादा ऊपर क्यों जाए, ए प्लस एक्स बी प्लस वाई और सी, ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी और डी, ये एक डिटर्मिनेंट दे रखी भाई मेरे को, मैंने इसे एक्सपेंड किया तो ए प्लस एक्स टाइम्स डी माइनस बी प्लस वाई टाइम्स सी, सही है. तो क्या मैं इसे एक्सपेंड करके ए डी माइनस बी सी प्लस एक्स डी माइनस सी वाई लिख सकता था, हैं क्या? अच्छा चलो एक चीज और बताओ मेरे को आप, जो भी लोग समझते हैं ढंग से, क्या इस डी को हटा के सी वन वन और इस सी को हटा के सी वन टू लिखा जा सकता था? व्हाट इज सी वन वन? फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, सही है. ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए. हाँ बस, पूरी क्लास में देखो ऐसे कोई बैठता है क्या? ये जेडी दादा को छोड़ दो बस, ये स्पेशल आइटम है क्योंकि वो दादा है इसलिए. बाकी किसी भी आदमी को देखो, अगर किसी ने पीछे वाली बेंच पे टेका ले रखा हो, मतलब टेका लो सहारा लो लेकिन हाथ नहीं रखा जाना चाहिए. हाथ नहीं रखते भाई, अरे वो उसको अलाउड है यार, वो क्लास की शान है, वो अलग बात है, वो तो सही बात नहीं है, डिफरेंस भी तो दोनों में. हाँ सी वन वन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर प्लस साइन के साथ क्या आएगा? डी, सही है. इसका साइन क्या होता है? माइनस. तो इसका कोफैक्टर क्या है? इसका इस वाले एलिमेंट का सी नहीं है, क्या है? माइनस. इसका कोफैक्टर का साइन माइनस है ना यार, समझ ही नहीं रहे यार. इसका कोफैक्टर बताओ जल्दी, माइनस बी माइनस वाई, इसका भाई साहब बहुत टाइम लग रहा है भाई. कोफैक्टर तो बहुत सिंपल चीज है यार, और वो भी सेकंड ऑर्डर में. ये तो मजाक होता है कोफैक्टर. इसका कोफैक्टर प्लस होगा क्योंकि ये टू टू है ना, तो इसका कोफैक्टर, इसको छुपाया, इसको छुपाया, ए प्लस एक्स. गड़बड़ हो गई, मुश्किल है ये, सही है. अच्छा तो इस हिसाब से देखो, इसको चेंज कर रहा हूं. अलग अलग कर दिया, बीच रहा में क्या बचेगा? वाई बचेगा ना, वाई क्यों मिटा दिया मैंने यार, वहां मैंने लिखा ही उल्टा था, वाई और सी वन टू, समझ गए? ओए अच्छा सुनो, बात ये है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके तो सभी लिख लेते हैं, एक्सपेंडेड डिटर्मिनेंट को अगर हमें अनएक्सपेंडेड करना है तो फिर हम दुनिया से लगे. ये ए सी वन वन प्लस बी सी वन टू
किसी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट ए और बी हैं, और उनके कोफैक्टर कौन रहे हैं, सी वन वन और सी वन टू। सी वन वन सी वन टू दोनों की वैल्यू मुझे पता है, एक की डी है और एक की माइनस सी है, वही तो लिखा हुआ है। तो इसे मैं अनएक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, यही है वो, प्लस इसको एक्स वाई तो फर्स्ट रो के एलिमेंट, और सी वन वन सी वन टू तो वही है, सी और डी तो भी माइनस प्लस में आएंगे हैं। तो बेसिकली एक डिटरमिनेंट जिसके किसी एक रो के एलिमेंट दो टर्म से जुड़ के बने थे, इन्हें स्प्लिट करके दो डिटरमिनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, अब काम की बात यह है, बहुत सिंपल साफ सुथरी सी बात, नो वन विल एवर आस्क यू टू स्प्लिट वन डिटर्मिनेंट इंटू टू, ऐसे इतना सिंपल तरीके से तो नहीं पूछेगा। जैसे पूछेगा वैसे मैं खुद ही पूछ लूंगा आपसे। बात तो है कि मैट्रिक्स मतलब ये सॉरी डिटर्मिनेंट एडिशन आना चाहिए, ये डिटर्मिनेंट ऐड कैसे हुई दो इसमें, ये समझ में आना चाहिए। जो भी अन आइडेंटिकल रो या कॉलम है और सिर्फ एक, एनी वन नॉन आइडेंटिकल रो या कॉलम गेट्स एडिड, आइडेंटिकल रोज और कॉलम रिमेन सेम, आइडेंटिकल रोज या कॉलम ऐड नहीं होते। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत जल्दी से फटाफट से, वन टू थ्री फोर प्लस वन थ्री फोर थ्री, हाथ ऊपर करना है, सिर्फ सिर्फ हाथ ऊपर करना है। अभी ख्याल आया एकदम लेटेस्ट डेवलपमेंट है भाई साहब, ये तो इनके एडिशन से जो डिटरमिनेंट यहां बनेगी वो डिटरमिनेंट आप में से कितने लोग बोल के सुना सकते हैं, इतने तो सुना ही नहीं सकते, चैलेंज है मेरा। ज्यादा लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, अपने पे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, हाथ नीचे करिए, आधे लोग मैं मर जाऊंगा नहीं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए। विवेक जी, विवेक जी कहां से आ गए भाई साहब, विष्णु जी ठीक, कोई डैंचू डैंचू नहीं करेगा, सब चुप रहेंगे। एट एट फोर, क्यों सही है, कितने लोग ये बताने वाले थे, अरे चुप नहीं हट रहा, कितने लोग ये बताने वाले थे, हाथ ऊपर कर जल्दी यार, और कितने लोग ये नहीं बताने वाले थे। ठीक है, सही है, मैंने जानबूझ के एक ऐसा इलस्ट्रेशन लिया सेकंड में। ठीक है, इसमें क्या है ना कि आप फर्स्ट रो को भी अनआइडेंटिकल बोल सकते थे और सेकंड कॉलम को भी अनआइडेंटिकल बोल सकते थे, तो वो तो मास्टर आइडेंटिकल है ना भाई, लेकिन उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। कई लोग तो ऐसे ऐसे सोच के क्वेश्चन गलत बोनस लिखेंगे, सर दो चीजें अनआइडेंटिकल थी एक बार दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करके देख तो सही, उसकी वैल्यू निकाल के सेम आएगी भाई। अब इसको दो कर इसको आठ कर, उसे क्या फर्क पड़ता है, या तो इसको दो करता या इसको आठ करता, इन दोनों में से एक ही फर्क यही होने वाला था ना, मल्टीप्लाई तो फिर भी आठ ही रहेगा है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने जानबूझ के सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल ले लिया, सिर्फ अनआइडेंटिकल रो या अनआइडेंटिकल कॉलम ही एड होते हैं। अगर फर्स्ट रो को अनआइडेंटिकल मानना है तो उसे, इसीलिए तो मैं यहाँ पे रुक के उसको बार बार एट एट बोलवा रहा था कि सेकंड कॉलम भी तो अनआइडेंटिकल, उसको क्यों नहीं जोड़ा, मुझे लगा कोई ऐसा करेगा तो क्रांतिकारी आदमी। ठीक है गुड, ठीक है, आइडेंटिकल रोज विल रिमेन सेम या आइडेंटिकल कॉलम। मुद्दे की बात यह है, जो नहीं समझ पा रहे मेरी बात, मैं इन्हें ऐड करके ऐसे भी लिख सकता था, वन थ्री फाइव और एट, इसकी वैल्यू भी -7 आएगी, इसकी वैल्यू भी -7 आएगी, तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ा, आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, तो बोल ही नहीं पा रहे हो यार। चलो एग्जाम्पल ये उड़ा दूं, जल्दी से करना फटाफट से, तो टाइम ज्यादा मत लगाना। नंबर होगा एग्जाम्पल का, तो मैट्राइसेस डिटरमिनेंट एक साथ है भाई साहब, अभी हम थोड़ी देर में फिर मैट्राइसेस में घुस जाएंगे, फिर वापस निकलेंगे डिटरमिनेंट से बाहर, ऐसे चलेगा, अभी हम एनसीईआरटी स्टाइल में पढ़ रहे हैं भाई।
एक ही तो चैप्टर है डंका उसमें। हाँ, इंटीग्रेशन के बाद क्या कर रहे थे हम? अच्छा, क्वेश्चन लिखना है ना। ये डराने के लिए होता है सब, ये प्रॉपर षड्यंत्र है, इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। सच में 100% षड्यंत्र। ठीक है। नाउ परेशान इज डांसिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, नलायक इज ऑल्सो डांसिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, एंड मंकी इज ऑल्सो डांसिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। व्हेन यू विल अप्लाई सिग्मा ऑन परेशान, मंकी नलायक विल रिमेन कॉन्स्टेंट, उनको कोई लेन देना ही नहीं है। तो आप इसे इनफाइनाइट टाइम्स लिखोगे, और सिर्फ कौन सा कॉलम, रो रो या कॉलम ऐड हो रहा होगा? रो थ्री। जब मैं इस वाले समेशन को चढ़ाऊंगा तो रो थ्री ऐड होगी सब में से, क्योंकि रो वन रो टू तो कांस्टेंट है, किसी को कुछ तो चमक रहा होगा भाई, हैं? तो रो थ्री में एक इनफाइनाइट जीपी का निर्माण होगा। किसी को समझ में आ रहा है क्या? विथ कॉमन रेशियो 1/2, 1/5, 1/, एंड हैविंग फर्स्ट टर्म 1 इन ऑल द थ्री केसेस। किसी को नहीं चमक रहा? पक्का है? बोल तो दो भाई। तो दो समेशन तो बच गए, एक नालायक वाला और एक मंकी वाला। फर्स्ट चिड़िया 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 चिड़िया, यही है टर्म्स। लास्ट वाली टर्म बताएगा कोई? इधर ए अपॉन 1 - r, यहां पे 1 अपॉन 1 - 1/5, 1 अपॉन 1 - 1/3, सिवाय इस चीज के कि आपको इनफाइनाइट जीपी का सम ए अपन 1 - r नहीं पता था, के अलावा अगर किसी और जगह पे हम मर गए हैं तो हाथ खड़ा कर सकते। ये वाली चीज कैसे लिखी? अगर यहां तक मैं किसी और चीज में परेशानी हूं सिवाय इनफाइनाइट जीपी का सम ए अपन 1 - r होता है, इसके अलावा किसी को समस्या नहीं है? तो फिर तो आंसर बताओ, मेरी शक्ल के देख रहे हो, पूरा करो क्वेश्चन जल्दी। बहुत लंबा आंसर, 0 तो नहीं आएगा। 70 701/48, मतलब तुम कहना चाहो 64 नहीं आया? ये तो चमत्कार हो जाए। अगर आपका अपॉन में 64 नहीं आया भाई साहब, फिर तो आप चमत्कारी हो भाई। अपॉन में 64 तो मुझे नजर ही आ रहा है यहाँ पे, और हकदा मैं बहुत कम हूँ।
16 इंट जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इसमें क्या कर सकते हैं भाई, 16 × 5 = 80 मान लें क्या है? तो 240, 720 माइनस 64 8 का भी करवाओगे क्या? और भाई साहब 512 माइनस 8 × 64 27 8 जा 8 × 7 56 8 × 2 = 16 216। इतने अच्छे अच्छे क्यों आ रहे हैं ये? 216 भी अच्छा है, 512 भी अच्छा है। कौन ये पूरा कटपिट के -133/64 तो इतना बुरा आंसर नहीं है, ठीक है एक्सेप्टेबल है। -133/64 इज द फाइनल आंसर बताया जा रहा है। अब क्या नहीं समझ में आया, ये कैसे खोली है आपने डिटरमिनेंट? ट्रेडिशनल तरीके से? अच्छा आपने ट्रेडिशनल तरीके, शर्म नहीं आती आपको? नहीं आती बोलो, अब बोलो ना, नहीं आती तो बोलना पड़ेगा। हाँ ऐसे करने का, ऐसे गेल सिपिया जूम पाक जिम पीक जूम पाक 15/4 फिर टिचिक टू पाक चिनिक, इसका भी 15/4 फिर इसका टिचिक टच ये 15/4 तो 3 बार तो 15/4 आया। और फिर ऐसे देखो 2 × 2 = 8 ये सेम 27/8 और फिर ये सेम 125/64 जल्दी होगी ऐसे? आती ही नहीं सर, हम इतने इंटेलिजेंट थोड़ी हैं भाई, हमारी भी तो सोचा करो, नहीं है इंटेलिजेंट। प्रॉपर्टी लगाने से कोई फायदा हो जाएगा? 64 तो बाहर ले आएगा, झंडे काट लेगा उसमें, मैं बता रहा हूँ तेरे को, तू प्रॉपर्टी लगा क्या करेगा? 1/64 बाहर ले आएगा, खुश हो जाएगा, ओ देखो सारे नंबर अच्छे हो गए। हाँ हाँ यही करेगा, इसके अलावा स्कोप ही नहीं है। 1/64 ले लो ना, 1/4 तो एक में से थोड़ी लोगे भाई, 1/4 तीनों में से लोगे। हाँ तो 1/64 मैंने बोला ना पहली बार में, अच्छी क्या कैलकुलेशन आ जाएगी, 720 तुम्हें वैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टुकड़े टुकड़ों में, 3 बार जुड़ेगा 240 240 240 ऐसे होगा बस। हाँ जी चल क्या रहा था, ये क्वेश्चन था, नोट मैट्रिक्स एडिशन और डिटरमिनेंट एडिशन में डिफरेंस जो है वो आपको चमक जाना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैट्रिक्स एडिशन में अगर मेरे को दो मैट्रिक्स ए बी सी डी एक्स वाई सी डी दी हुई है तो ये ऐड होके ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस सी और डी प्लस डी, जानबूझ के लिख रहा हूं, 2C2D नहीं लिखा, सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हुआ करते थे, जबकि यही चीजें अगर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में ऐड होती तो सिर्फ फर्स्ट और फर्स्ट रो ऐड होते, सी और डी सेम रह जाते, यही है ना। नोट क्या है? नोट ये है, ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड डी प्लस डब्लू ई प्लस यूराना एफ प्लस वीराना और गुवाहाटी प्लस पंजाब, अब पंजाब को बुलाना पड़ा, वी की बात क्या आता है, एक्स वाई जेड तो पहले यूज कर लिया। हाँ हांगकांग प्लस कतार जी एच, आई से तो कुछ होता ही नहीं, जो इंडिया मान लो चलो, आई प्लस राजस्थान, ठीक है आई प्लस राजस्थान। इफ दिस डिटरमिनेंट इज स्प्लिटेड इंटू एडिशन इफ दिस डिटरमिनेंट इज स्प्लिटेड इंटू एडिशन ऑफ सेवरल डिटरमिनेंट्स then how many determinants will be created
हाउ मैनी डिटर्मिनेंट्स विल बी क्रिएटेड सो दैट ईच एलिमेंट विल बी ए सिंगल टर्म. इसमें जहां हमने हाउ मैनी लिखा है ना, हाउ मैनी है, क्या लिखा है, हाउ मैनी डिटर्मिनेंट विल बी, है ना, हाउ मैनी मिनिमम डिटर्मिनेंट्स विल बी क्रिएटेड. मैनी के आगे लगा दो, मिनिमम है जगह तुम्हारे पास. हाउ मैनी मिनिमम डिटर्मिनेंट्स विल बी क्रिएटेड, समझ गए. इसे स्प्लिट करके मुझे डिटर्मिनेंट्स बनानी है, सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स से यही चीज बननी चाहिए. लेकिन इनसे स्प्लिट होके कितनी ऐसी डिटर्मिनेंट्स बनाई जानी कंपलसरी है जिसमें सभी एलिमेंट्स सिंगल टर्म नजर आएंगे. ऑप्शंस संभव जी के द्वारा 6, पाशा भाई 3, मिकी माउस 8, डेली इज अवेटेड. एट को थोड़ा सा प्रचार प्रसार बढ़ता हुआ. आरएनजी क्वेश्चन समझ में आया आपको? आरएनजी इज विद 6, 4 अमरजा हमेशा की तरह अलग आंसर 4 के साथ, बहुत बढ़िया. 8, 4 कौन आया इधर से, तुम 4? एक प्रिय जी, महिला की शक्ति कमजोर होती भी, 8 ही आना चाहिए, आना चाहिए. अच्छा ये क्या होता है बे, 8 है या नहीं है, हैं? नहीं बताऊंगा, 8 आएगा कैसे बताओ. संभव जी 8 समझा रहे हैं भाई, पहले रो वन के एलिमेंट्स को स्प्लिट करके दो डिटर्मिनेंट बना दीजिए. वो जो दो डिटर्मिनेंट बनेगी ना आपकी, उसमें पहली में फर्स्ट रो के एलिमेंट ए बी सी होंगे इधर, और इधर जो दूसरी रो लिखी होगी उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट एक्स वाई जेड होंगे, और बाकी के दोनों रो, दोनों डिटर्मिनेंट्स के, दोनों रो के एलिमेंट सेम होंगे. कितनी डिटर्मिनेंट बनी? अभी सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट सिंगल दिख रहे हैं, बाकी सबके अभी भी डबल डबल नजर आ रहे थे. तो इसका मतलब इधर जो डिटर्मिनेंट लिखी है उसके दो हिस्से और बनने वाले हैं, इधर जो डिटर्मिनेंट लिखी है इसके दो हिस्से और बनने वाले हैं, बशर्ते हम आर टू को ब्रेक करते हैं. किसको? आर टू को. समझ आया? एक ट्री डायग्राम चल रहा है, फ्लो चार्ट बनाते जैसे बचपन में, एक से दो ब्रांच निकली, फिर दो डिटर्मिनेंट आई, फिर दोनों से दो दो निकलेगी, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4. ये जो 4 डिटर्मिनेंट्स लिखी हुई है इनमें अभी तक आर थ्री जो है वो यही है, जी प्लस पी, एच प्लस क्यू, आई प्लस आर. समझ में आ रहा है क्या? फिर वो ब्रेक होंगी, कितनी बन गई, 8. वो जो नीचे 8 बनेगी है, जिस पैटर्न से हमने ब्रेक किया है उनमें जो नीचे 8 बनेगी. सुना है? कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, फिर सुनो वापस, देखो ध्यान से, तुम लोग सुनते ही नहीं हो ना. जिस पैटर्न से मैंने इन्हें ब्रेक किया है उन पैटर्न से जो नीचे 8 बनेगी उसमें तीसरे डिटर्मिनेंट कितने लोग बोल के सुना सकते हैं? जिस पैटर्न से हमने ब्रेक किया है, 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 8, इसमें जो तीसरे नंबर के डिटर्मिनेंट है नीचे 8 डिटर्मिनेंट में से, उसमें तीसरे नंबर के डिटर्मिनेंट कितने लोग बोल के सुना सकते हैं? हिंट दे देता हूं, फर्स्ट रो ए बी सी है. हाँ सही बोला है भाई, गलत तो स्कोप ही नहीं है भैया, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ. हाँ हिंट तो बहुत बड़ा था, थैंक यू. ए बी सी, धीरे धीरे इस चुप. डब्ल्यू यूराना विराना, जी एच आई. मुगेम्बो इज नॉट हैप्पी.
ले लीजिए, सही है, हैं कृष्णा जी, छा गए यार राघव जी, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ए बी सी, फिर इसका दूसरा आएगा डब्ल्यू यू वी और इसका पहला जी एच आई। ऐसा क्वेश्चन ढंग से पूछ लिया जाए, फ्रेम करके पूछ लिया जाए, भाई साहब तो तोड़ जाएंगे, लोग आठ आठ लिखेंगे, बहुत टाइम लगाएंगे। थोड़ा सा अगर माइंड को आप तेज करो तो आपको दिखेगी चीज़ें कैसे टूटी थी, वो सामने दिखनी चाहिए ना ब्रेक होती हुई। बहुत बढ़िया, शाबाश। तूने देख लिया ना बिना के लिखे, तूने लिखी आठों है, तो फिर तुम देवता हो भाई, तो फिर तुम देवता हो भाई साहब। अगर तुमने लिखी है तुम देवता हो, नहीं लिखनी चाहिए थी। उन्होंने उनसे पूछा उन्होंने लिखी क्या, राघव जी ने लिखी आठों, तो फिर ऐसे देखा ना, हाँ तो नहीं लिखनी थी चार भी, वो तो तीसरे नंबर के पूछे थे, तो चार लिखी, मैं छठी पूछता तो हो सकता तू ये चार और दो भी लिखता। अगर मैं छठी पूछता, नहीं सात तो क्यों लिखता, छठी पूछी तो छह ही लिखता ना, गेले आएगा बिल्कुल। अच्छा तीसरी पूछी तो चार लिखी। अरे यार ये डब्बू ही। हाँ बोल, एक को जल्दी से बोला कर यार, आंसर बता दो ना मेरे को, उसका क्वेश्चन मत बोला, आंसर बता दो। नहीं नहीं रख सकते, मना कर दिया लोग, तेरा आंसर समाज नहीं दे दिया, मेरी जरूरत ही नहीं थी, मत पूछा कर तू ऐसे ही। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड। यार मैं सही में पतला नहीं हो रहा हूं, मैं सच से बताना। अरे भाई 6 साल पुरानी पैंट आई है मेरे को आज, और फिर भी अगर तुम बोलो कि नहीं पतला हो रहा हूं, तो ये तो महज नाइंसाफी है, और ये भी लूज आई है भाई, भगवान जानता है। जब ये बेल्ट खरीदा था मैंने उस महिला से, वैन हुसैन ने नई महिला रिक्रूट करी थी, अब सिटी मॉल में शोरूम नहीं है, तो उसने पटा लिया मेरे को। एक तो सूट टिका दिया 6,000, मैं शर्ट लेने गया था भाई, सूट टिका दिया 6,000 रुपये का बताओ, और बेल्ट भी टिका दी। ये उस दिन जितने खरीदी थी फर्स्ट उसमें आती थी। हाँ हाँ लेन ज्यादा, अरे अब ये सस्ता मिल रहा था ना भाई, सेल मेरे 300 रुपये का मिला, 300 रुपये का वैन हुसैन का बेल्ट मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। फर्स्ट में आता था फर्स्ट में, धीरे धीरे सेकंड में आया, अभी 6 साल पहले नहीं अभी खरीदा है, 2-3 महीने पहले किसी की शादी, हाँ मेरे भाई की शादी थी तब खरीदा था, फरवरी में। और पैंट 6 साल पुरानी है यार, खतेड़ा है तो बिल्कुल यार। बेल्ट तो अभी खरीदे ना फरवरी में, नहीं ऐसे नहीं, लड़ाई नहीं, तुम मार दे तो क्या हो गया, भाई मार नहीं सकता तेरे को, वो यही बोल रहा होगा इस समय शायद तेरे को, भाई तेरे को दोस्त एक तो कब भाई बन जाते पता नहीं, और ऐसी सिचुएशन में तो बन ही जाते हैं, भाई नहीं हूं मैं तेरा। अरे फर्स्ट में आती थी भाई, पहले रुक जाओ यार, धीरे धीरे सेकंड में आई, थर्ड में, फोर्थ में आ गए भाई, एंड दिस इज माय अचीवमेंट। फिर तुम लोग बोलते ही नहीं यार, पतले हो गए यार, पता नहीं, खाना बंद कर दिया एक टाइम शाम का, डेली एक्सरसाइज सुबह, योगा 20-25 मिनट, हालत खराब हो जाती भाई साहब, पैदल आता जाता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी टाइम है बताने में, अरे ऐसे ओपनली नहीं बताया जा सकता, फेसबुक पूछ लेना। हाँ ऐसी बातें खुले में नहीं करी जा सकती, तो कैमरे बॉर करवा रहे तुम तो तराग निश्चित हो जाएगा भाई साहब। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड
by adding to the elements of by adding to the elements of any row by adding to the elements of any row bracket or column with the same multiples of corresponding elements with the same multiples of corresponding elements of any other row bracket or column. ब्रैकेट में लिख सकते हैं when this belongs to मैट्रिक्स तब बनता है 6 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज दिस रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भाई. So now, ये रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है. सपोज एक डिटर्मिनेंट ली हमने A1, B1, C1 A2, B2, C2 A3, B3, C3. यदि हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, बहुत देर से हम रो रो कर रहे हैं तो हम कॉलम लगा लेते हैं. आप जो काम रो पे कर सकते हो वो कॉलम पे भी कर सकते हो मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट के अंदर बिल्कुल बिंदास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो हम बहुत देर से रो पे काम कर रहे हैं इसलिए हमने डिसाइड किया इस बार हम कॉलम पे करेंगे. C1 चेंजेस टू या C1 गोज टू या C1 ट्रांसफॉर्म टू C1 प्लस मंकी टाइम C2. इसका मतलब क्या है. इसका मतलब यह है कि कॉलम 1 के सभी एलिमेंट्स में कॉलम 2 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को का m टाइम्स एड किया जाएगा. सपोज कर रहा हूं कि मेरे को जो नई डिटरमिनेंट मिली मैंने उसे डी डैश बोला. मुझे नहीं पता था कि इसकी वैल्यू डी के बराबर आएगी. अरे पहले तो डी डैश मानूंगा ना भाई. मुझे लगा मैंने डिटरमिनेंट बदल दी. मैंने उसे डी डैश मान लिया. डी डैश विल बी A1 प्लस मंकी टाइम्स B1 A2 प्लस मंकी टाइम्स B2 A3 प्लस मंकी टाइम्स B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. Property number 5 says we can split this determinant into two determinants. The one will be D. ये D पे ये क्यों लगाया मैंने. ठीक अबे फर्स्ट तो D होगी ना. प्लस टीचिक्स मंकी टाइम्स B1 मंकी टाइम्स B2 मंकी टाइम्स B3 B1 B2 B3 C1, C2, C3. अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया जाए तो ये मंकी बाहर निकल जाएगा. फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज किया जाए तो ये 0 बन जाएगी. अरे ये वाली डिटर्मिनेंट क्यों. क्योंकि दो कॉलम विल बी आइडेंटिकल एंड इफ टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0. तो ये वाली चीज बन गई 0. बचा कौन. डी यानी कि डी डैश बराबर डी. यानी कि इस तरह का रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं है. ठीक है क्या. Four loving determinants. The first is 1 x x square, 1 y y square, 1 z z square.
एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। टू रिमेंबर वी मे यूज डायमेंशनल एनालिसिस। वॉट इज दैट? पूरे शहर में मीटर बांटे हो, पूरे शहर में अगर मीटर बांट के आओगे तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन मीटर क्यूब है, मीटर तो राइट साइड में मीटर क्यूब आना चाहिए जो कि है। इसके पास मीटर, इसके पास मीटर, इसके पास मीटर, ठीक है। इसमें आपको ये वाला एनालिसिस थोड़ा सा कम चमकेगा, लेकिन इसके आगे वाले जो हायर आएंगे, एक्चुअली ये फैक्टर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स सब में आता है जो हम आगे के लिखेंगे उसमें भी, ठीक है। तो उसमें आपको ये डायमेंशन एनालिसिस ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी तो मुद्दे की बात हम सिर्फ कर रहे हैं कि ये आया कैसे। अगर मेरे से कोई पूछता है कि ये आया कैसे है, तो सुनो भाई, अब हम लोग डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट नहीं खोलेंगे। वाई? बिकॉज वी हैव रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इस डिटर्मिनेंट को इजी टू ओपन किया जा सकता है। इजी टू ओपन करने का लॉजिक ये है, सिंपल सा, बिल्कुल साफ सुथरी बात। अगर मेरे को ये डिसाइड करना है कि मुझे इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करूँगा। किसी भी रो, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में बनाया जाए, किसी भी रो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा या कॉलम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सपोज करिए अगर मैंने कॉलम वन के अंदर दो जीरो बना दिए, तो मैं इसे कॉलम वन से एक्सपेंड करता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक एलिमेंट से खोलने की जरूरत पड़ेगी। जीरो से खोल के क्या कर लोगे भाई? क्लियर है? क्लियर है? यहाँ जीरो बनाना मुझे बहुत आसान लग रहा था, जैसा मैंने कहा R2 टू गोज टू आर टू माइनस आर वन। अगर R2 में से R1 घटा दिया जाए और R3 थ्री गोज टू आर थ्री माइनस आर वन, ये सबसे फेवरेट रो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर। इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये तो जीरो बन जाएगा, इनकी मैं देख नहीं रहा क्या होने वाला है। समझ रहे हो क्या? R2 तो R1 अनचेंज्ड है। ऊपर क्लासमेट के अंदर एक लिख लीजिए एक चीज, क्लासमेट में नोट दैट वाइल यूजिंग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, नोट दैट वाइल यूजिंग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वन रो ब्रैकेट में और कॉलम मस्ट बी अनचेंज्ड। मस्ट बी अनचेंज्ड मतलब मस्ट नॉट बी चेंज्ड, ऐसा भी हो सकता था। ये मस्ट बी अनचेंज्ड और मस्ट नॉट बी चेंज्ड एक ही बात हुई। तुम लोगों की इंग्लिश वास्तव में यार भाई साहब बहुत दया है भाई। कैसे हैं? मस्ट नॉट बी चेंज्ड और मस्ट बी अनचेंज्ड एक ही बात है, सोच के बोलो। ओ आईसीएससी, मस्ट बी अनचेंज, मस्ट नॉट बी चेंज, ये सेम चीज है, ये अलग अलग चीजें हैं। पक्का सेम, एकदम डिट्टू मीनिंग सेम है। मुझे मेरा दिल नहीं कह रहा कि सेम। चलो खैर, अभी मैंने मस्ट बी अनचेंज लिख, कोई भी एक रो या एक कॉलम जो है वो अनचेंज रहना चाहिए रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त, जिसकी मदद से, जिसकी मदद से मैं दूसरे को चेंज कर रहा हूँ। जैसे R1 की मदद से अगर हम R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 शुड बी इंटैक्ट, R1 शुड बी इंटैक्ट, वो छेड़ना ही नहीं भाई साहब। 1 माइनस वन जीरो, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, 1 माइनस वन जीरो, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। सही है? सेकेंड रो में से कुछ कॉमन y माइनस x, थर्ड में से z माइनस x, वन जीरो जीरो x x स्क्वायर, वन वन y प्लस x z प्लस x। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, इधर r3 थ्री गोज टू आर थ्री माइनस आर टू, क्यों? इसमें वन माइनस वन, फिर जीरो बनाया जा सकता है एक और, अगर जीरो बनाना है तो, है ना? मैट्रिक्स के वैसे सिलेबस में नहीं है, नॉर्मल एग्जाम्स में सिर्फ बिट सेट करके एक एग्जाम होता है, कोटी करके एक चीज होती है मैट्रिक्स की। अच्छा, हिंदी में कोटी बोलते हैं, सॉरी।
इंग्लिश में रैंक, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स करके एक चीज़ होती है, वो हमारे सिलेबस में है नहीं इसलिए हम पढ़ते नहीं है। उसमें एक्चुअली इतने सारे जीरोस क्रिएट करने पड़ते हैं रैंक निकालने के लिए। तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे जीरो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा है। ठीक है, अगर सपोज मैंने इसे एक्सपेंड किया तो वन से, रो वन कॉलम वन से करूँगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो से एक्सपेंड करेंगे। वन से एक्सपेंड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा? जेड माइनस वाई। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो वाई माइनस जेड हो जाएगा, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वाई। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। साइक्लिक ऑर्डर में चूंकि याद रखना आसान है इसलिए हमने साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है। ये लविंग डिटर्मिनेंट्स इसलिए बोली गई है कि इनके एक्सपेंशन अगर याद हैं तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा टाइम सेव किया जा सकता है, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के। बहुत जगह दिखा दूंगा मैं आपको शीट में ये चीज़ है, वन एक्स एक्स क्यूब, वन वाई वाई क्यूब, वन जेड जेड क्यूब। डायमेंशन, डायमेंशन मीटर की पावर, यहां से आती है डायमेंशन, इस इसके मल्टीप्लीकेशन। ये तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है तीनों तो एक्सपेंड करते वक्त, इसीलिए तो डायमेंशन आ रही है, मीटर की पावर फोर आएगी। राइट साइड में चूंकि मीटर की पावर फोर लिखनी थी तो मीटर क्यूब तो पहले से लिख दी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, मीटर क्यूब बन चुका था, क्या और चाहिए था? यानी कि एक सिंगल डिग्री का टर्म चाहिए जिसमें एक्स भी दिखना चाहिए, वाई भी दिखना चाहिए और जेड भी दिखना चाहिए, और किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो दैट कैन ओनली बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट कैन ओनली बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर इन आपस में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो डबल डिग्री बन जाएगा। याद रखने का एक तरीका है इनके एक्सपेंशन को। थर्ड, वन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वन वाई स्क्वायर वाई क्यूब, वन जेड स्क्वायर जेड क्यूब, डिग्री फाइव। फाइव डिग्री का तीन तो है ही, दो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये दो डिग्री का टर्म। साइक्लिक डिटर्मिनेंट, अभी हमारे एग्जाम्पल नंबर 33 में भी ऐसा ही हुआ था, ये जो हम लिखने वाले हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। फोर्थ वाली का प्रूफ, सिक्स डिग्री का पता है, नहीं तो एक्स वाई जेड नहीं आता, इसलिए तो उसको लविंग नहीं बनाया ना, नहीं तो वो भी लविंग होती। हाँ, फोर्थ वाले का प्रूफ सुनना एक सेकंड ध्यान से। इनमें ये वाले प्रूफ मैंने दोबारा इसलिए नहीं कराया क्योंकि इनमें सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन थे, आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन, टाइम वेस्टेज है। इसमें थोड़ा सा अलग है, रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेनली फोकस सिर्फ एनसीईआरटी के लिए किया जा रहा है, जिन्हें एनसीईआरटी देना है वो रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, बाकी तो ना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते वक्त हम लोग रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, हम डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, और इसका एक्सपेंशन अगर हमें करना होगा तो वो लोग गेल हैं जो रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। ये देखो ए बी सी दिखेगा, बिल्कुल सीधा सीधा दिखेगा आपको,
ये एक बार एबीसी दिखेगा, ये दूसरी बार एबीसी, और ये तीसरी बार एबीसी। तीन तो एबीसी में आ गए, तो प्लस थ्री एबीसी तो ऐसे ही आ गए भाई साहब, हाथों में पड़ गए। तो ये रहा प्लस थ्री एबीसी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस सी क्यूब, इसको इससे माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लो खत्म भाई साहब। ये एक्सपेंशन आ गया, अगली लाइन में डायरेक्ट आंसर लिख रहे होंगे, विल नेवर यूज रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सपेंडिंग दिस काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट। पागल थोड़ी है, लेकिन अगर किसी को रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करवा के दिखाना है कि ये कैसे इसमें टूटता है, क्योंकि प्रूविंग करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने इसमें किसी में भी आर वन गोज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये तो ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन से ही रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको आ सकते हैं। सीधी सी बात, मैंने देखा इसमें किसी भी रो के तीनों एलिमेंट्स को जोड़ने पे या कॉलम के तीनों एलिमेंट्स को जोड़ने पे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है। तो आर वन गोज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अगर कर दें तो फर्स्ट रो चेंज हो गई, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इधर आ जाएगा बी सी ए, इधर आ जाएगा सी ए बी। उसके बाद मैं ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूंगा, ले लूंगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने के बाद वन 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 चिड़िया 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 चिड़िया, मतलब वही चीज जो शुरू में दी हुई है, हमने छेड़ा नहीं है अभी तक। वन 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 बनने के बाद अगर किसी रो या किसी कॉलम के तीनों एलिमेंट वन बन गए हैं तो हम लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि उन्हें जीरो बनाना बेहद आसान है। सी टू गोज टू सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री गोज टू सी थ्री माइनस सी वन। सी टू में से सी वन घटा दिया, सी थ्री में से सी वन घटा दिया, कुछ समझ में आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी वन बी सी जीरो, सी माइनस बी ए माइनस सी जीरो, ए माइनस बी बी माइनस सी, किससे खोलना है, आर वन से। ए प्लस बी प्लस सी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना, बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, इसको इससे ओ माइनस आता है, सॉरी, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, बहुत बढ़िया। ये मॉड किस लिए लगा, जबरदस्त। कुछ कटाए क्या, एक तो बहुत कुछ तो नहीं, सिर्फ एक कटेगा बस, बाकी तो पूरा ही आएगा। अरे बाकी तो पूरा ही आएगा भाई, जिन्हें याद नहीं है इसका एक्सपेंस, इसके फैक्टर होते हैं वो जो लिखे हुए हैं इधर, जिन्हें याद नहीं है उसके फैक्टर हैं वो लिखे हुए, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, वो माइनस के साथ लिखे हुए हैं, एक माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर वाला आ जाएगी चीज। तो प्रूफ तो हो गया ये, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो हम वैसे नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है, हम तो डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अगर सीबीएसई में पूछा जाएगा तो फिर तो पूरा करना पड़ेगा, अफसोस। जेई जब सब्जेक्टिव हुआ करता था तब इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था, जेई पेश करते हैं 80s 90s जो भी, इफ इफ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इफ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, देन द साइन ऑफ, देन द साइन ऑफ दिस इज, दिस मतलब यही, अरे यही, अगर ए बी सी तीन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं तो इस डिटरमिनेंट का साइन क्या होगा। अब आजकल तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, इसलिए आजकल तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, हमें तो पता है ना इसकी वैल्यू ये होती है। तो इसकी वैल्यू लिखी हमने माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अरे ये इसके फैक्टर लिखे भाई, है ना। इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी अलाउड होता है अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। तो इसे माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो चीज लिखी हुई है इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 लिखा जा सकता। 3 स्क्वायर वाली संख्या, 3 स्क्वायर वाली डिजिट्स का सम तो पॉजिटिव ही होगा, बशर्ते वो डिस्टिंक्ट दी हुई है। अरे वैसे ही नॉन नेगेटिव होते हैं, लेकिन ए और बी बराबर तो हो ही नहीं सकते, समझ रहे हो क्या। तो ये चीज जीरो नहीं बन सकती, जीरो नहीं बन सकती, तो ये नॉन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही है। ये पॉजिटिव और ए प्लस बी प्लस सी कैसा है पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि तीनों नंबर पॉजिटिव दिए गए हैं, आगे कैसा साइन है नेगेटिव, तो ये पूरा कैसा हो गया। तो इस डिटरमिनेंट का साइन तो आ जाएगा भाई साहब नेगेटिव, इस डिटरमिनेंट का साइन तो आ गया नेगेटिव। कुछ लोगों ने तो इसे इसकी वैल्यू निकाल के इस तरीके से किया, और जो इस्पात है स्मार्ट पीपल अप्रोच, उन्होंने बोला अगर ए बी सी पॉजिटिव दिए हैं तो क्वेश्चन बनाने वाला भी चाहता होगा कि हम ए एम जी एम लगाएं, हैं? तो कंसीडर 3 नंबर्स, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कैसे होंगे, पक्की बात है। तो इनका ए एम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी बाय 3 विल बी ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। कुछ समझ में आ रहा है यार मास्टर, तुम पहले तो कहते थे कि बराबर भी हो सकता है, अबे डिस्टिंक्ट दिए उसने नंबर, उसने नंबर कैसे दिए। और अगर नंबर डिस्टिंक्ट है तो इक्वलिटी होल्ड नहीं कर सकती, तो इक्वलिटी होगी ही नहीं। कुछ चमक रहा है। दिस नेसेसरीली इंप्लाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स ए बी सी। इस हिसाब से उसका इनइक्वलिटी, उसका जो वैल्यू आई थी, किसकी वैल्यू, उस डिटर्मिनेंट की, उसका साइन नेगेटिव होगा। एनसीईआरटी के डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चन करके दिखाने हैं आपको 4 नंबर के लिए, जो भी 12th वाले हैं, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल नंबर 34। प्रूव दैट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी, जो 12th पास है उनको तो रटा हुआ भी होगा शायद, क्या आएगा राइट साइड में, नहीं रटा हुआ वो साला, आजकल पढ़ते नहीं लोग भाग यार। 1 + 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। बोलो राघव जी क्या करना है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ फटाफट स्टेप्स, रटी पड़ी होगी तुम्हें तो, बोलो ना किसको किसमें छोड़ा। दो राघव जी बोल रहे हैं कि फर्स्ट रो में से ए, सेकंड में से बी और थर्ड में से सी कॉमन ले लो तो ए बी सी तो आ ही जाएगा कम से कम। अब जिस हिसाब से प्रूव करना है उस हिसाब से अगर हम चलें तो, वैसे इतना गंदा कॉमन कोई लेता नहीं है, ठीक है हम ले रहे हैं एल एच एस। बोलो कॉमन लेने के बाद बाहर क्या आया, ए इंटू बी इंटू सी। फर्स्ट रो का हालत दिख रही है, 1 बाय ए प्लस 1, 1 बाय ए, 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, 1 बाय बी प्लस 1, 1 बाय सी, 1 बाय बी, 1 बाय सी प्लस 1। ऐसी डिटरमिनेंट लिखने के बाद सुनो, अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि इनका इनका और इनका सम सेम है, अगर आपको कभी डिटरमिनेंट में ऐसा नजर आए कि कॉलम वाइज या रो वाइज इन तीनों का सम अगर सेम है तो जोड़ दो, फिर दिख रहा है कि तीनों का सम सेम, देख लो पहले वर्टिकली है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जल्दी बोलो, R1 goes to R1 + R2 + R3, जोड़ सकता हूं।
अरे जोड़ सकता हूं, ए बी सी, आर वन के तीनों एलिमेंट सेम होने वाले हैं, कॉमन ले रहा हूं ने, बोलो एलिमेंट, 1+1/a +1/b प्लस, हम बहुत खुश हो चुके थे क्योंकि जो प्रूव करना था वो तो आ चुका है, अब क्या प्रूव करना है, मजा ही नहीं आ रहा। अंदर वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 हो जाए किसी तरह से, अंदर वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है अंदर वाले डिटरमिनेंट बोल सकते हैं, फर्स्ट रो 1 1 1, 1/b, 1/b +1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c +1, अब क्या करना चाहिए, c2 goes to c2 minus c1, बोलते क्यों नहीं हो पता नहीं यार तुम लोग, इसलिए नहीं सीख पाते हो, c3 goes to c3 minus c1, अरे इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, खत्म, फिनिश। मैक्सिमम तो टर्म्स ही शायद जीरो हो जाएगी, मेरे हिसाब से बहुत सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी शायद। LHS बराबर ABC इनटू ब्रैकेट, डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट कॉलम सेम, सेकंड कॉलम में ये जीरो, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, इस डिटरमिनेंट को अगर आप खोलेंगे 1 प्लस 0, 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0, बकाया तो सारी चीजें लिखी है, देखो हर हर बार तीन में से एक जीरो हो रहा था तो प्रोडक्ट जीरो हो गया, क्या करते हम, वन बचा सिर्फ, दिल को तो पहले से पता था ना वन लाना है भैया, तो ले तो आएंगे कैसे भी करके, कुछ और भी लिखा तो जबरदस्ती काट देता मैं तो, और वन लाना है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है, कोई प्रूव करने का कुछ नहीं, बुद्धि क्यों लगाए फिर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, टेढ़ा ही आ रहा है यार आजकल, पता नहीं क्या हो, दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई, a1 b1, a2 b2, l1 m1 l2 m2, दो डिटर्मिनेंट्स मल्टीप्लाई करनी थी, वही सेम a1 l1 +b1 l2, a1 m1, a1 m1 सही लिखा है ना, तो बोला तो करो फिर b1 m2, यहां पे a2 l1 +b2 l2 और a2 m1 +b2 m2, ठीक है, लोगों ने बोला ये कौन सा मल्टीप्लीकेशन है, हमने बोला वही है जैसे मैट्रिक्स में हुआ था, रो बाय कॉलम, रो का कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से होता है तो 1 1 मिलता है, फर्स्ट का सेकंड से होता है तो 1 2 बनता है, एंड सो ऑन, लेकिन इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट हम अगर इसे ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज क्या होता है, अगर इसके रो कॉलम इंटरचेंज कर देते, इसके इसके
तो डिटरमिनेंट में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, डिटरमिनेंट तो सेम रहता है ना, डिटरमिनेंट विल बी सेम। देखो वो एक अलग बात है कि हम हमेशा ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि मैट्राइसेस की भी आदत रहती है, तो लफड़ा ही नहीं है साला। वी ऑलवेज डू रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन, लेकिन इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट वी मे ऑल्सो यूज रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन। रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन इफ आई यूज हेयर, वॉट आई विल गेट? अब भाई साहब, अगर दो मैट्रिक दो डिटर्मिनेंट आपको मल्टीपल, मतलब इतना ही सिंपल क्वेश्चन को दे दे और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन हो, दो डिटर्मिनेंट लिखी हुई है, उनके मल्टीप्लीकेशन नीचे लिखे हुए हैं, तो रो बाय कॉलम भी आंसर होगा, रो बाय रो भी आंसर होगा। रो बाय रो का मतलब क्या है? बोलिए। ए वन एल वन प्लस बी वन एम वन, ए वन एल टू प्लस बी वन एम टू, बहुत बढ़िया। ए टू एल वन प्लस बी टू एम वन, ए टू एल टू प्लस बी टू एम टू, परफेक्ट है। कोई मरमरा तो नहीं गया? उस पीछे वाले एसी ने चल के ठंडक को थोड़ा कंट्रोल कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे वाला एसी से अकेले चलते तो पागल हो जाता है। पीछे कोई ठंडा कर रहा है क्या विष्णु जी? हैं? अच्छा, नहीं हमें फील नहीं आ रही ना एक्चुअली। हाँ वो ये भी तो समस्या है ना भाई साहब, दिल्ली में गया था ना जो शूटिंग कराने के लिए। हैं? हाँ तनुश्री जी, दिल्ली था भाई, जयपुर कब हो गया यार, बचपन से दिल्ली है, जयपुर तो मैंने बोला ही नहीं कभी। उस स्टूडियो में छह ऐसे चलते थे, छह जरा से स्टूडियो था, छह ऐसे चलते थे, और मेरी हालत ऐसी होती थी ना, मतलब अब मरा मरा मर, ठंड की वजह से नहीं, गर्मी की वजह से भाई साहब। वो जो मेरा जोन था ना, इतना सा मेरा जोन था, वो जरा सा जिसमें लाइट होती थी, बाकी सब जगह अंधेरा होता था, बाकी सभी शक्लें दिखती थी बस, वो भी गोरे होते थे, तो साउथ इंडियन का वो भी नहीं दिखता था। नहीं दिखते थे, जो भी जो साउंड इंजीनियर था हमारा, वो साउथ इंडियन था, उसको कुछ नजर नहीं आता था भाई साहब। उसको आवाज, डायरेक्टर बार बार आवाज लगा के बुलाती थी कि मार्केट में है नहीं, तो नहीं, मैं जैसे अपने जोन के बाहर जाता था ना, तो ठंड से हालत खराब हो जाती थी और अपने जोन पसीना आ रहे होते थे, इतनी लाइटें लगा रखी थी भाई। ये तो फिर भी कम है, अब मेरे को कम लगती है वहां जाने के बाद। वो तो पता नहीं क्या मरकरी, क्या मरकरी के बाद भी दो दो वो लगाते हैं बेचारे, जैसे आदमी जिंदा रहे, वो कुछ लाइट फैलाने के लिए होता है, एक लाइट फैले इवनली छतरी के आगे, कुछ नहीं वो लगाते, जैसे स्टूडियो में लगी रहती है, वो भी डबल लगाते हैं छतरियां भी, जैसे आदमी जिंदा रहे, इतनी पास पास लाइटें लगी हुई ना, इतनी बड़ी बड़ी, 1000 वाट, 1600 वाट, इसकी टांग पता नहीं, बैंड बजाते हैं। मुश्किल तो है भाई सब, लेकिन इन लोगों की फटी तो रहती होगी, हीरो हीरो की, पैसे भले ही इतने मिल जाएं लेकिन लाइट बहुत झेलनी पड़ती है। हाँ क्या है ये कर क्या रहे थे हम? अच्छा हाँ, दिस इज रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन। मैं फिर वापस एक बार कह देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट मल्टीप्लीकेशन जो है वो दो तरीकों से किया जा सकता है। हम तो कर तो रो बाय कॉलम ही रहे हैं, लेकिन बेसिकली इसके रो और कॉलम अगर इंटरचेंज कर दिए जाए तो भी इस डिटरमिनेंट तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। तो इस एल वन एम वन को ऐसे लिखने के बजाय अगर ऐसे लिख देता तो मल्टीप्लीकेशन तो मैंने वैसे ही किया, इसमें भी सेम रो बाय कॉलम ही, अगर मैं उसको चेंज करके करता तो, लेकिन बिना चेंज करे तो मैंने बोल दिया रो बाय रो ही कर दिया भाई साहब मैंने तो। इसकी वैल्यू निकाल लो चाहे इसकी वैल्यू निकाल लो, अभी तुम्हारी हिम्मत है नहीं कि नहीं मल्टीप्लाई करके हम चेक करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं करने वाले, गलत सोच रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन ये आएंगे सेम विश्वास और आस्था। अब तो इतना जग ही गया होगा मास्टर पे, मान लो। तो मैट डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन दो तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बहुत बड़े हो गए हैं, इसलिए हम लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। नहीं नहीं जा रहे आज, यही है अपन, पिज्जा विज्जा मंगा लेंगे, भूख लगे बता देना, ठीक है। अभी नहीं भाई, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ,
अभी तक तो ऑफिशियल टाइम ही ओवर नहीं हुआ भाई, 1:40 तक तो बोलने का हक नहीं है तुम्हें। 1:40 ये कब हुआ? जब से 12:40 पे क्लास स्टार्ट होती है तब से 1:40 हो गई। 12:40 11:40 सॉरी भाई, भावनाओं को समझो यार। तब से 11:40 पे क्लास चालू हुई, तब से ऑफिशियल टाइमिंग है 1:40। 1:40 से पहले तो किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। 2 घंटे किए क्या बचपन से? 2 घंटे किए गए चिपे? 2 घंटे ही क्या पूछ रहा आगे वाले से? कैसा आदमी है तेरे को? यही नहीं पता 2 घंटे की क्लास है? तुम पैसे 2 घंटे के दे रखे हैं भाई, मास्टर 2 घंटे से कम नहीं बोलना चाहिए। क्या तू क्या बोला? ढंग से बोल। क्या बहस मेरे से क्या? अगर पड़ोसी से नहीं, पैसे मेरे को दिए ना। हाँ हम कब खाना? मैं कुछ नहीं मंगा रहा, मैं छोड़ दूंगा टाइम तुम्हें। हाँ यार ऐसे ब्लैकमेल करते हैं तो गरीब लोगों को यार, कोई वो ही नहीं है साला यार, मजाक थोड़ी चल रहा है। भूल गया मैं क्या लिख रहा था, चुप कर। नोट फर्स्ट। हाँ नोट है सर, NOT। हाँ वो तो अभी जमाना वोट का ही है ना, समय समय की बात है। तुम्हें क्यों दिख रहा है लेकिन वोट भाई? इफ डी इज इक्वल्स टू, मास्टर से गरीब आदमी कोई नहीं है वैसे, सही में बेचारा पढ़ाता भी है, बोर्ड भी घिसता है, खड़ा भी रहता है, चिल्लाता भी रहता है, मजाक भी उड़वाता है। नहीं ये भी टेंशन की बात नहीं है, उसे पता भी नहीं किस बात का मजाक उड़ रहा है, ये टेंशन की बात। समस्या इस बात की है कि उसे पता भी नहीं है कि मजाक किस बात का उड़ रहा है। इफ डी इज इक्वल्स टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। वेयर डी नॉट इक्वल टू 0 है ना? वेयर AI BI एंड सी आई आर द को फैक्टर्स ऑफ स्मॉल AI स्मॉल BI एंड स्मॉल CI रिस्पेक्टिवली। ये किसका को फैक्टर है? A1 का। A2 इज अ को फैक्टर ऑफ स्मॉल A2, कैपिटल A3 इज को फैक्टर ऑफ स्मॉल A3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो डी स्क्वायर जो होगा वो को फैक्टर से बनने वाली डिटरमिनेंट होगी। ये बढ़िया चीज है भाई साहब, मतलब कोई डिटरमिनेंट अगर मुझे दी है जो कि एक नॉन जीरो डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो उसके स्क्वायर से बनने वाले डिटरमिनेंट एक्चुअल में उसके को फैक्टर, उनके सभी एलिमेंट्स के को फैक्टर से बनने वाले डिटरमिनेंट के बराबर होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूफ एक लाइन का है मात्र, इसको डी डैश मान लिया हमने, और मुझे प्रूव करना है कि डी डैश जो है वो डी के स्क्वायर के बराबर है। मैंने तो डी इंटू डी डैश किया, क्या किया? डी इंटू डी डैश। तो डी इंटू डी डैश में A1 B1 C1 स्मॉल वाले और कैपिटल वाले A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। मेरी बात सुनना ध्यान से, या तो मैं रो टू रो ट्रांसफर मल्टीप्लाई कर सकता हूं या फिर मैं रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर सकता हूं। कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं,
मैंने रो टू रो डिसाइड किया मल्टीप्लाई करने का, रो टू रो, रो टू रो मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। ध्यान सुनना मेरी बात, ए वन बी वन सी वन का मल्टीप्लीकेशन कैपिटल ए वन कैपिटल बी वन कैपिटल सी वन के साथ और एडिशन, यानी कि किसी रो के पर्टिकुलर, किसी रो के सभी एलिमेंट्स का उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करें तो क्या मिलता है? डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है भाई साहब। किसकी वैल्यू मिलती है? कौन सी डिटरमिनेंट की? डी की। डी की वैल्यू क्या है? डी है भाई, डी वैल्यू तो है डी। जब फर्स्ट रो को सेकंड रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा जीरो, क्योंकि किसी भी रो के पर्टिकुलर सभी एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर जीरो मिलता है। जीरो समझ में आ चुका होगा कुछ लोगों को, सही है? और कभी भी अगर डायगोनल डिटरमिनेंट दी जाए या लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट दी जाए, इसकी चर्चा पता नहीं पहले हुई थी या नहीं हुई थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हुई थी, मेरी तरफ मत देखो, किसी भी डायगोनल डिटरमिनेंट या किसी भी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू जो आएगी वो हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगी। कर लो यार, बाकी सब तो जीरो मिलेंगे ना। डी 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 कितना है वैल्यू? डी क्यूब। अब डी डैश इंटू डी अगर डी क्यूब है तो डी डैश डी स्क्वायर क्यों है मुझे नहीं पता, सही है? डिटरमिनेंट की जो भी एक आध दो एक्सरसाइज हो एनसीईआरटी की।